तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीनोमियल, ठीक है ना। तो देखो, पॉलीनोमियल के बारे में समझे खातिर जो एक हिंदी बा ना, उस हिंदी से हम लोग अच्छा से एक बारे में समझ आ जाए। देखो पॉलीनोमियल जो बा ना, पॉलीनोमियल एकर तार देखो, एकर हिंदी होला बहुपद, तो एकरे से हमनी के बढ़िया से समझ आ जाए। देखो बहुपद, अब ये बात आई कि बहु जो सास बहु के दोनों के बीच में झगड़ा होला, बहु ऊ वाला बहु ने के कहा, ये होला एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो बहु मीन्स एक से ज़्यादा, आ जो तुम्हारा हो गया पद, पद बोलो या फिर टर्म बोलो, ठीक है ना। तो मतलब एक से ज़्यादा टर्म वाले को पॉलीनोमियल कहते हैं, एक से ज़्यादा टर्म वाले को पॉलीनोमियल कहते हैं, एक से ज़्यादा टर्म वाले को पॉलीनोमियल कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में पॉलीनोमियल बोलते हैं, एक से ज़्यादा टर्म रहेगा उसको पॉलीनोमियल बोलेंगे। तो आप बोलिएगा कि सर मैंने नाइन्थ क्लास में इंजॉय किया हूँ, इसीलिए मुझे टर्म के बारे में मालूम नहीं है। तो लो भाई समझ लो, कोई भी रियल नंबर 2, 3, 4 या फिर रियल नंबर के साथ कोई भी अगर वेरिएबल रहे साथ में मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 3x हो गया, 3x² हो गया, ये सब जितना जो सिंगल सिंगल है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म, ठीक है, समझ गया। चलो तो मैंने क्या बोला कि पॉलीनोमियल उसको बोलिएगा जो एक से ज़्यादा रहता है टर्म, ठीक है। तो ये तो बात हो गया कि एक से ज़्यादा जो मतलब जो एक से ज़्यादा वाले टर्म को बोलते हैं पॉलीनोमियल। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग कॉपी या फिर कहाँ मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। जो फाइल में बात कर रहा है, देखो तो इसको हम लोग लिखने के जो इसको हम लोग जो क्या डिनोट करते हैं उसको हम लोग PX से या फिर FX से, ठीक है ना। ये जो फेमस है मतलब क्या PX या फिर FX, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि क्या सर यहाँ पर X यहाँ पर लिमिट रहता ना भाई, PY भी यहाँ पर हो सकता है, बट मतलब ये जो तुम्हारा X है ना, ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्या चीज़ कॉमन है, हर जगह एक्स 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 मतलब रहता है ना, ये हर जगह तुम्हारा एक्स रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्स लेते हैं। तो इसको हम लोग पी एक्स से या फिर एफ एक्स से क्या चीज डिनोट करते हैं। अब जो फाइनली जो आया, जो तुम्हारे बुक में NCERT हो चाहे RS अग्रवाल में, यहाँ पर लिखा होगा कि PX इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, फिर ये X1 प्लस A2X² NX के फॉर्म में रहेगा ना, तो उसी को बोलेंगे क्या चीज पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आया चलना है, मैं तुमको सिंपल भाषा में यहाँ पर सबसे सिंपल भाषा में यहाँ पर हम तुमको बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखो अगर प्लस या फिर माइनस, अगर यही दोनों साइन से जो टर्म एक दूसरे के साथ में जुड़ा रहेगा ना, तो उसी को बोलिएगा पॉलीनोमियल। तो आप बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ले लिए 2, यहाँ पर ले लिए 3, यहाँ पर ले लिए 2x, यहाँ पर ले लिए x². तो मैंने क्या बोला कि अगर वैसा टर्म जो प्लस या माइनस के साथ में रहे, तो उसी को बोलिएगा क्या पॉलीनोमियल। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा x² हो गया, इसके साथ में तुम्हारा आ गया प्लस, फिर तुम्हारा आ गया 2x आ गया, फिर तुम्हारा आ गया 3, ठीक है। ऐसा जहाँ पर भी रहे जो तुम्हारे क्या चीज़ जो तुम्हारे ये जो है ना प्लस, ये दोनों को, ये जो तुम्हारा x² है और ये जो तुम्हारा 2x है और फिर ये जो तुम्हारा 3 है, ये तीनों के साथ में रहे प्लस या फिर x² माइनस 2x माइनस 3 रहे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीनोमियल, ठीक है ना, जो प्लस या फिर माइनस के साथ रहे, इसके अलावा अगर मल्टीप्लाई रहे चाहे डिवाइड रहे, तो उसको हम लोग पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस, ठीक है ना। या फिर देखो मान लो ये है x², ठीक है, और इसका जो गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारा हो गया 2x, और इसका जो भाई है वो तुम्हारा क्या चीज़ है
थ्री है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो दूसरा बंदा है, ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर है, ये अपनी सीट पर बैठा हुआ है और ये जो है अपनी सीट पर बैठा हुआ है और ये तुम्हारा अपनी सीट पर बैठा हुआ है, लेकिन सब क्या चीज़ साथ में बैठा हुआ है। अगर कोई रैंडम बंदा आकर ये दोनों का बीच में आकर क्या चीज बैठ गया, या फिर ये देखो, या फिर ये जो बंदा है वो आकर ये दोनों के बीच में बैठ गया, या फिर जो माइनस है ये आकर यहाँ पर बैठ गया, और फिर ये दोनों के बीच में कोई आकर रैंडम बंदा बैठ गया, फिर ये दोनों फिर यहाँ पर जो माइनस है ये भी आकर यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, मतलब कोई बंदा। तो क्या ये दोनों को अलग अलग कर रहा है कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्स स्क्वायर जो ये दोनों के बीच में ये जो आ गया, तो ये दोनों हो गए अलग, ये दोनों हो गए अलग। तो वैसे टर्म को अगर प्लस या माइनस आकर वो दोनों को अलग जो करे तो उसी को बोलिएगा पॉलीनोमियल। जैसे ये हो गया टर्म, ये हो गया टर्म, ये हो गया, अगर आकर कोई प्लस या फिर कोई माइनस तीनों के जो अलग जो करे तो उसी अलग के जो एक एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है ना, उसी एक्सप्रेशन को बोलिएगा पॉलीनोमियल, दैट्स इट। और एक बात, जो ये तुम्हारे एक्स एक्स स्क्वायर का जो ये यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसका वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। जो यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर के साथ में जो कांस्टेंट रहता है उसका वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स, ठीक है ना, यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना, उसी को बोलिएगा पॉलीनोमियल, दैट्स इट। इससे आगे बढ़ने से पहले हम तुमको क्या चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो देखो कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदले, हर जगह हर जो वैल्यू होना चाहिए वो तुम्हारा सेम होना चाहिए। देखो कांस्टेंट का मतलब हुआ जिसका वैल्यू कहीं पर भी यूनिवर्स में कहीं पर भी उसका वैल्यू बदले नहीं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जो हुआ तुम्हारा कांस्टेंट हुआ। और वेरिएबल जिसका वैल्यू हर समय क्या चीज बदलता रहे, ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी ये सब जितना भी हुआ ना ये तुम्हारा क्या चीज कांस्टेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि क्या चीज कांस्टेंट उसको बोलेंगे जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदले उसको कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू बदले उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आते हैं क्या चीज पर, हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो देखो पहला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है ना, और फिर दूसरा बार हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या चीज़ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है ना, डिग्री पर देखेंगे या फिर एक्सपोनेंट, दोनों में से कोई भी आप लोग बोल दो। तो देखो लीनियर पॉलीनोमियल उसको बोलिएगा, ठीक है ना, लीनियर पॉलीनोमियल उसको बोलिएगा जो तुम्हारा वैसा एक्सप्रेशन हो ना जिसका हाईएस्ट क्या चीज हाईएस्ट तुम्हारा डिग्री या एक्सपोनेंट, ठीक है ना, डिग्री या एक्सपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या पावर वन होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर एक्स हो गया प्लस थ्री वाई हो गया ना, तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर वन हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक। चलो अब यहाँ पर आता है बात क्या चीज़ का क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो अगर जिसका हाईएस्ट पावर टू रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे देखो यहाँ पर ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो इसमें तुम्हारा जो हाईएस्ट पावर है तुम्हारा
कितना है 2, तो इसको बोलेंगे क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक, अब यहाँ पर आता है बात क्यूबिक पॉलीनोमियल का। तो देखो जिसका हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो उसको बोलिएगा क्या, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो जैसे a प्लस ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स, तो ये जो तुम्हारा हुआ क्या हुआ, वो तो ये जो तुम्हारा हुआ वो तुम्हारा क्यूबिक पॉलीनोमियल हुआ। ठीक बा, चलो आगे हमने ये देखा हम जाए क्या बाई बाई आगे हमने कि देखा हम जाए क्या चीज बाई क्वाड्रेटिक। ठीक बा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देखा हम जाए। ठीक बनो, तो जोना के हाईएस्ट पावर 4 होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे ए प्लस ए क्यू प्लस ए एक्स 4 आ गया और इसमें से सबसे हाईएस्ट पावर तुम्हारा 4 है ना, तो इसको बोलिएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, 4x प्लस 3 एक हो गया 4x प्लस 3x स्क्वायर और एक हो गया 5x प्लस 8 और एक होगा 6x, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 6x प्लस 5 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर 4x क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4x, सॉरी नहीं यहाँ पर इतना ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि इसमें से तुमको क्या, देखो यहाँ पर जो है ना ये एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है। ठीक है, तो अब हम तुमसे बोलेंगे कि इसमें से बताओ कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन बाई क्वाड्रेटिक है, कौन। ठीक है, देखो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इसमें से सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा किसका पावर है। तो इसमें से देखेंगे कि यहाँ पर एक्स का जो है तुम्हारा क्या चीज 1 है और यहाँ पर और कोई वेरिएबल नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर 1 हो गया ना पावर, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या लीनियर पॉलीनोमियल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है। तो 3 है मीन्स क्या चीज क्यूबिक पॉलीनोमियल। यहाँ पर देखो x के पावर 3 है और इसके अलावा और कोई नहीं है, तो इसको बोलिएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। 6x के पावर 4 है प्लस 5 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर है, स्क्वायर भी है, 1 भी है, 4 भी है। तो मैंने क्या बोला, जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा उसी से हम लोग इसका कंपेयर करते हैं। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर है 4, तो 4 जब रहेगा तो इसको बोलिएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक, चलो अब हम लोग देखम जा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर हमने देखम जा कि पॉलीनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है मोनो कैसी मोनोमियल। देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात आ रहा है, तो हम तुमको टर्म के बारे में क्या बताएं, 2 हो जाएगा चाहे 2x हो जाएगा, 3 हो जाएगा चाहे 4x रहेगा, ये सब जितना भी है वो तुम्हारा टर्म होता है। ठीक है, तो देखो मोनोमियल का मतलब जिसका केवल एक ही होना चाहिए टर्म। यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 है 2x है 3 है 4x है, तो ये सब जितना भी हुआ ना ये तुम्हारा क्या चीज हुआ, देखो ये तुम्हारा हुआ मोनोमियल। ठीक है ना, 2x हुआ 3 हुआ 4x हुआ, ये सब तुम्हारा हुआ मोनोमियल। अब यहाँ पर आता है बात क्या चीज का बाइनोमियल का। तो बाई मीन्स होता है 2, तो इसमें तुम्हारा होना चाहिए 2 टर्म, एक हो गया 2 और एक हो गया 2x। ठीक है, एक हो गया 2 और एक हो गया 2x और ये दोनों साथ में रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। अब यहाँ पर बात आता है क्या चीज़ है ट्राइनोमियल। तो इसमें तुम्हारा 3 टर्म होना जरूरी है, तो एक हो जाएगा 3 4x प्लस 5y, और ये सब एक साथ में होना चाहिए। ठीक है ना, एक साथ में मीन्स ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो ये तुम्हारा हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर बोलिए चाहे ये तुम्हारा प्लस या माइनस के साथ में मतलब रहना चाहिए, तो उसको बोलिएगा। अगर 3 को के साथ में रही तो ओकारा के बोलब ट्राइनोमियल, 2 को के साथ में रही तो ओकारा के बोलब बाइनोमियल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर बात आता है जीरोस रूट या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीनोमियल। ये जो जीरोस हो गया या फिर रूट हो गया या फिर सॉल्यूशन हो गया, ये सब का सब एक ही है, ठीक है ना। चलो तो देखो, जीरोस को समझने के लिए हम पहले यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई मैं एक पॉलीनोमियल को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर हम यही वाला पॉलीनोमियल को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस टू एक्स हो गया, चाहे इसको हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या सिंपल एग्जांपल पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, तब उसके बाद इसको लेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या ये तुम्हारा हो गया, इसी से हम लोग क्या चीज पॉलीनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि जीरोज क्या होता है। तो देखो, जीरोज हो या फिर रूट हो या फिर सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, उसको देखो, यदि यदि पॉलीनोमियल के पॉलीनोमियल में अगर एक्स के जगह पर या फिर यहाँ पर अगर पी वाई रहे तो वाई के जगह पर, या फिर पी जेड रहे जेड के जगह पर, यानी कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल रहे ना उसके स्थान पर वैसा डिजिट रखें कि जो अंक इसमें रखेंगे अगर उसके बराबर आ जाएगा जीरो, तो वही जो अंक वह होगा ना तुम्हारा क्या चीज़ होगा, जीरो होगा या फिर रूट्स होगा या फिर सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर हम लोग एक्स के जगह पर वन रखेंगे तो टू, सॉरी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं क्या चीज़, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा गलत था क्वेश्चन, टू माइनस टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जीरो उसको बोलिएगा अगर किसी भी पॉलीनोमियल में एक्स के जगह पर, या फिर अगर किसी भी पॉलीनोमियल वाई रहेगा तो वाई के जगह पर, या फिर जेड रहेगा उसके जगह पर वैसा डिजिट रखे कि अगर उसको सोल्व करें तो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो जिस अंक से जीरो आ रहा है ना, तो उसी अंक को हम लोग बोलेंगे जीरो या रूट्स या सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर टू माइनस टू, अगर एक्स स्क्वायर पर जगह पर अगर हम वन यहाँ पर रखेंगे तो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम लोग का जो जीरो आया वो तुम्हारा वन आया, क्योंकि वन ही तो हम लोग यहाँ पर जब एक्स के जगह पर क्या चीज रख रहे हैं तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, इसलिए तुम्हारा फाइनल जीरो आएगा वो तुम्हारा वन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज जीरो, ठीक है। अब देखो ये तो मान लो ईजी था तो तुम लोग निकाल दिए, अगर यही मान लो ये रहता एक्स स्क्वायर रहता माइनस टू एक्स और माइनस थ्री रहता, अगर इसमें तुमको बोलता कि फाइंड द जीरोस, तब तुम क्या करते, कैसे तुम इसमें तुम निकालते कि इसमें से कौन कौन जीरोस है। तो देखो सबसे सिंपल सबसे आसान, कोई भी तुम्हारा एक्शन में, ठीक है ना, अगर पॉलीनोमियल दिया रहे, ठीक है, अगर बोले कि इसमें से तुम जीरोस फाइंड करो तो आराम से तुम इसका फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है, ठीक है ना, तुम इसका फैक्टराइज कर दो, ठीक है ना। जो फैक्टराइज करने के बाद जो लास्ट में एक्स का वैल्यू आएगा ना, तो वही तुम्हारा क्या चीज़ जीरो होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं तुमको बताते हैं, जैसे मान लो जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, ठीक है ना, देखो एक सेकेंड थोड़ा सा लाइट का हो गया प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ये तुम्हारा है, रुक जाओ एक सेकेंड थोड़ा सा लाइट को यदि कर ले बाहर रहे। देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब यहाँ पर बोले कि फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज जीरोज, तो जीरोज उसको बोलेंगे कि अगर इस पॉलीनोमियल में एक्स के जगह पर वैसा डिजिट हम लोग यहाँ पर अगर रख देंगे, अगर पूरे को सोल्व करेंगे तो अगर जीरो आ जाएगा
तो वही जो अंक यहाँ पर रखे हैं और उसी से अगर जीरो आया है तो उसी अंक को हम लोग बोलेंगे जीरोज। बट यहाँ पर तो इतना बड़ा दे दिया है पॉलीनोमियल, तो फिर हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो एकरा के फाइंड करे खातिर हम बोलनी है कि आराम से तू एकर फैक्टराइज कर। तो अब तुमको बहुत बच्चे को तो अभी तक फैक्टराइज करना ही नहीं आ रहा होगा। देखो मैं यहाँ पर तुम लोगों को फैक्टराइज करना बता रहा हूँ। देखो देखो तुम लोग इसको फैक्टराइज कैसे करोगे यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ। चलो देखो एक्स एक्स स्क्वायर है माइनस टू एक्स माइनस थ्री। देखो फैक्टराइज करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्स स्क्वायर का जो तुम्हारा यहाँ पर जो कांस्टेंट है यहाँ पर एक रहता है, ठीक है ना। वन इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वन एक्स एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या चीज वन है, ठीक है। तो आप लोग थ्री को वन से मल्टीप्लाई करना तो आएगा माइनस थ्री आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर साइन से कोई मतलब नहीं है इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थ्री आई, ठीक बानू। ओकरा बाद थ्री अला के बाद तू एकर एलसीएम निकलिए थ्री वन आ गई, ठीक। जब एक एलसीएम निकल रहा तो थ्री वन आई, ठीक बा। अब दूसरा तारा काम करे के बा कि थ्री और वन, ठीक बानू। एकरा के तुहरा ऐसा लिखे के बानू कि अगर जोड़ या घटाव कैला पर टू आवे के चाहिए। अब एक्स से और एक्स एक्स स्क्वायर से कुछ मतलब नहीं है, ठीक बानू। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों के टू वन है और यहाँ पर माइनस थ्री है। तो ये दोनों के सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन करिए, ओकरा बाद एलसीएम निकलिए, फिर ओकरा बाद तारा के जोन एलसीएम के बाद जोन ये तुम फैक्टर आई एकरा के तुम इस फॉर्म में तारा लिखे के बानो कि जोड़ला पर चाहे घटेला पर माइनस टू आवे के चाहिए, ठीक बा। तो देखो यहाँ पर तो फिर हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे। हाँ तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस थ्री आ प्लस वन अगर हम लिखम तो यहाँ पर माइनस टू आ जाए। लेकिन एक और बात ध्यान देवे के बाद कि अगर ये दोनों इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करे तो तुमको थ्री आना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा फाइनल होगा रिजल्ट ये वाला, ठीक है ना। देखो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट है उसको और तुम्हारे जो लास्ट वाला कांस्टेंट है उससे तुम लोग मल्टीप्लाई करना। उसके बाद उस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा उसको तुम एलसीएम निकालना। फिर एलसीएम निकालने के बाद ये जो तुम्हारा मिडिल टर्म है इसको तुम्हें जो ये तुम्हारा फैक्टर आया इसको या फिर जोड़ कर चाहे घटा कर तुमको इतना लाना है माइनस टू लाना है। उसके बाद जब ये तुम्हारा जो ये तुम्हारा फैक्टर आ गया उसको जोड़ कर चाहे घटा कर माइनस टू आना है। उसके साथ ही साथ तुमको अगर ये दोनों का अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करो तो माइनस थ्री आना चाहिए, तभी ये तुम्हारा होगा सही, अन्यथा ये तुम्हारा हो जाएगा गलत, ठीक है। तो अगर ये दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस टू, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आएगा माइनस थ्री। तो हम लोग फाइनल कैची हो गया थ्री और वन। तब अब यहाँ पर जो थ्री है और यहाँ पर वन है ना, तो अब इस फिर देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ये जो है ना एक्स स्क्वायर इसको जैसा है वैसा आराम से लिख देंगे। उसके बाद माइनस थ्री है तो यहाँ पर थ्री एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस वन है तो प्लस वन, तो वन वन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस तुम्हारा ये हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें और इसमें तुमको क्या चीज इसमें तुमको कॉमन निकालना है। तो इसमें दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स आ जाएगा बाहर, यहाँ पर बचा एक्स, यहाँ पर बचा माइनस थ्री, फिर प्लस यहाँ पर तुम्हें वन है तो वन को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, ठीक है। इतना आगे उसके बाद देखो यहाँ पर भी है एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर भी एक्स माइनस थ्री, तो ये दोनों आ जाएगा यहाँ पर कॉमन, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर इसको देखो एक्स माइनस थ्री इजक्ल टू जीरो,
फिर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वन इजक्ल टू जीरो, ऐसे हम लोग मानेंगे ठीक है। तो यहाँ पर x इजक्ल टू हो जाएगा थ्री, यहाँ पर x इजक्ल टू हो जाएगा वन, तो यही तुम्हारा दोनों फाइनल सॉरी माइनस वन, तो यही तुम्हारा फाइनल हो गया जीरोज ठीक है ना। तो अब तुम लोग क्या करोगे कि ठीक है, तो x इजक्ल टू थ्री आया और एक आया x इजक्ल टू माइनस वन, तो यही जो तुम्हारा है ना यही तो तुम्हारा क्या चीज हुआ जीरोज हुआ ठीक है। तो हम लोग ऐसे जीरोज को फाइंड करते हैं ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आता है क्या चीज, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो सकता है, चाहे कोई भी पॉलीनोमियल हो जाए ठीक है ना। तो उस जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें केवल और केवल क्या चीज क्वाड्रेटिक से ही आएगा ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्वाड्रेटिक से ही आएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम इसको देखेंगे ठीक है। चलो तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि कोफिशियंट क्या होता है ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोफिशियंट क्या होता है। देखो इसका हिंदी होता है ना के साथ वाला, के साथ वाला मतलब उसके साथ में जो बगल में है उसके बारे में बातें हो रही हैं। जैसे देखो एक हम यहाँ पर ले रहे हैं पॉलीनोमियल, जैसे में क्या एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी, ये जो तुम्हारा हुआ क्या चीज एक ये एक क्या चीज पॉलीनोमियल है, और ये तुम्हारा कैसे पॉलीनोमियल है, ये तुम्हारा जो यहाँ पर स्क्वायर है मीन्स इसका पावर दो है। तो मैंने क्या बताया है जिसका हाईएस्ट पावर इसका वन है इसका टू है, तो लेकिन हम लोग इसको लेकर ही चलेंगे, तो इसका जो पावर है टू तो मीन्स इसका हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये तुम्हारा क्या चीज़ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि इसका हिंदी होता है के साथ वाला, मतलब जो ये तुम्हारा पॉलीनोमियल है ना, तो पॉलीनोमियल के जो तुम्हारा एक्स है जो तुम्हारा वेरिएबल है उसके जो साथ वाला होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट, वेरिएबल के साथ वाले को बोलते हैं कोफिशियंट, वेरिएबल के साथ वाले को बोलते हैं कोफिशियंट, याद रख लो उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट, वेरिएबल के साथ वाले को बोलते हैं कोफिशियंट ठीक है। तो अब यहाँ पर बात होता है कि क्या चीज़ जीरोज और कोफिशियंट का बीच का रिलेशन क्या होता है ठीक है ना। देखो तो ये दोनों का बीच का रिलेशन क्या होता है यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो एक हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं पॉलीनोमियल एक्स हो रही बात, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जो है तुम्हारा पॉलीनोमियल को हम लोग डिनोट करते हैं पी एक्स से, यहाँ पर वाई भी हो सकता है, तो जब यहाँ पर होगा ना वाई तो यहाँ पर भी होगा वाई, फिर यहाँ पर वाई ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने जब एक्स लिया है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस सी हो जाएगा ठीक है। और ये तुम्हारा ए जो होना चाहिए क्या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए ठीक है ना। तो देखो तो इस ये दोनों का बीच का रिलेशन ये होता है कि देखो ये देखो यहाँ पर तुम्हारा है यहाँ पर क्या चीज पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखो इससे तुम्हारा दोनों का बीच का रिलेशन जो होता है वो इस देखो यहाँ से कैसे कैसे तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारा कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, अगर बोले कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज और तुम्हारा एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक है ना। तो हम लोग कोफिशियंट और जीरोज के रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर देखो अगर ये अगर यहाँ पर बोले कि सम ऑफ द जीरोज, जीरोज का सम बताइए ठीक है ना ठीक है। देखो तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर
ठीक है ना, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या चीज, जीरोज और कोफिशियंट का बीच का रिलेशन होता है कि अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे दे और बोले कि उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आप हमको सम ऑफ जीरोज बताइए या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट बताइए, ठीक है ना, के रिलेशन के साथ में, ठीक है। तब तुम क्या करोगे कि माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा है क्या कोफिशियंट है एक्स, वो तुम्हारा क्या है बी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो तुम्हारा कोफिशियंट है वो तुम्हारा ए हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला आया कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा माइनस बी अपॉन ए। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या चीज आता है, वो तुम्हारा कोफिशियंट के रिलेशन से ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब हुआ तुम्हारा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म। मैंने तुमको अभी बताया कि टर्म तुम्हारा हो जाएगा टू फोर या फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइव एक्स थ्री एक्स। तो यहाँ पर तुम्हारा बोल रहा है क्या जी कॉन्स्टेंट टर्म बता में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो फाइनल हो गया तुम्हारा माइनस बी अपॉन ए हो गया। और देखो इसका देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा कॉन्स्टेंट टर्म बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा बोल रहा है क्या चीज कॉन्स्टेंट टर्म, तो तुम इसमें से देखो ये भी तुम्हारा है टर्म, ये भी तुम्हारा है, देखो ये भी तुम्हारा है टर्म, ये भी तुम्हारा है टर्म और ये भी तुम्हारा है कॉट, ये भी तुम्हारा है टर्म। लेकिन यहाँ पर बातें हो रही हैं क्या चीज क्या कॉन्स्टेंट टर्म का, तो इसमें केवल और केवल तुम्हारा हुआ सी। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बट्टा में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए। तो यहाँ से तुम्हारा फाइनल फार्मूला आया सी अपॉन ए। तो देखो अगर कोई क्वेश्चन में बोले कि सम ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलीनोमियल वहाँ पर दिया रहेगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, बी अपॉन ए हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा तो तुम्हारा सी अपॉन ए, बी जो तुम्हारा हो गया वो तुम्हारे जो मिडिल टर्म हुआ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हो गया अब टाइम ए जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया तुम्हारा क्या चीज कॉन्स्टेंट टर्म बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा क्या चीज है रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ये केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर यहाँ पर बात अगर आ जाए ये तो था क्या चीज का क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, अगर यहाँ पर बात आ जाए तुम्हारा कि क्यूबिक पॉलीनोमियल का तब क्या करोगे भाई। तो देखो जब तुम्हारा क्यूबिक पॉलीनोमियल का बात आ जाए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं पॉलीनोमियल का, ठीक है। तुम्हारा वो तुम्हारा क्या चीज हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा क्या एक्स, सॉरी देखो यहाँ पर तुम्हारा देखो क्यूबिक पॉलीनोमियल, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो तुम्हारा हो गया क्या चीज क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो इसमें अगर बोले कि तुम्हारा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बोले तब तुम क्या करोगे, तो इसका जब बोलेगा कि सम ऑफ जीरोज तब तुम क्या करोगे, तो इसका भी वही होगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पट्टा में क्या चीज कोफिशियंट ऑफ सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा अब बट्टा में
कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर बोलेगा कि सम ऑफ जीरोस ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा होगा सेम, माइनस बी अपॉन ए होगा, बट यहाँ पर जब कोफिशियंट की बात आ जाए तो यहाँ पर होगा क्या चीज, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर जो होगा था तुम्हारा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स था, बट यहाँ पर हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट इसका जो फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा सेम होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, ठीक है ना। चलो अब अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बोले तो तुम्हारा हो जाएगा, देखो तुम्हारा जो फॉर्मूला होगा वो नहीं है, फॉर्मूला से पहले हम लोग क्या चीज कोफिशियंट का रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। देखो तो इसका हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज, कांस्टेंट टर्म बटा में क्या कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी बटा में ए। तो ये तुम्हारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा तुम्हारा डी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरो हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग देखो अब यहाँ इतना हो गया। अब देखो तुम्हारे जो एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे कोई भी आर एस एवाल चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पर एक जो होता है ना वो तुमको अल्फा और जो बीटा है ना इसको क्या जीरो थमाना है, जब इसको तुम लोग जीरो थमानिएगा तो तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी अपॉन सी। ये इसलिए माना है, अगर मान लीजिए जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सम ऑफ जीरोज, जब आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जब लिखिएगा ना तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जो अल्फा और बीटा है इसको क्या जीरोज माना है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जीरोज माना है क्योंकि जो अल्फा बीटा है ये तुम्हारा वेरिएबल है, तो हर तुम्हारे क्वेश्चन में तो अलग रहेगा, मतलब क्या चीज हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा जीरोज, इसीलिए यहाँ पर एक अल्फा और बीटा को माना गया है कि ये तुम्हारा क्या चीज़ जीरोज है ऑफ एनी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ से देखो तुम्हारा फाइनली जो फार्मूला आया अल्फा प्लस बीटा इजक्ल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इजक्ल टू सी अपॉन ए, ठीक है ना। इतना हुआ, ये तुम्हारा फार्मूला हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इजक्ल टू माइनस बी अपॉन ए, ये एक फार्मूला हुआ और एक ये फार्मूला हुआ, ठीक है ना। एक ये फार्मूला वाला हुआ और एक ये फार्मूला हुआ, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या बात है, देखो इतना तो हो गया तुम्हारा। अब देखो नेक्स्ट बात क्या आता है कि भैया ये तो हो गया कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस फोर, ये हमको बताइए कि जब यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दिया था तो इससे हम लोग क्या चीज़ जीरोज को फाइंड किए। और मान लीजिए हम यहाँ पर हम ये बात बोले कि तुम्हारे पास क्या जीरोज है और इसके मदद से तुम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तब क्या करोगे बच्चे। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इससे हेल्प से तुम लोग क्या जीरोज को फाइंड कर दिए, बट अगर जीरोज दिया रहे तो इससे हेल्प से आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको क्या चाहिए बनाया गया है कि अगर जीरोज से पॉलिनोमियल को बनाना है तो उसको पहले लिखेंगे कि पॉलिनोमियल जो उसका साइन होता है पी एक्स इजक्ल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर रहेगा माइनस उसके बाद अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर दो जीरोज इसलिए है
क्योंकि हम लोग क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना रहे हैं। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक ना देकर अगर बात करें क्यूबिक का, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी के मदद से हम लोग कोई भी जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करेंगे, ठीक है, दैट्स सॉल्व, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोलेगा कि फाइंड द, ठीक, फाइंड जीरोज एंड क्या वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, ठीक है ना, कोफिशियंट। इस तरह का तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या चीज, मतलब कोई भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रहेगा और इसी के मदद से आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज को फाइंड करना है। जब जीरोज आ जाएगा तो फिर उसके मदद से तुमको क्या रिलेशन, तुमको इस उसके बाद तुमको रिलेशन जीरोज और कोफिशियंट के बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पर तुमको बताया था कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा पी एक्स जो तुम्हारा दिया गया है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, तो इस ये तुम्हारा हो गया कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है ना। अब इसके मदद से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीरोज निकालिएगा, ठीक है ना। तो जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि आप इसका फैक्टराइजेशन करिए। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म को जो तुम्हारा एक्स एक्स स्क्वायर का जो तुम्हारा ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट है ये दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू वन हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद आप इसका एलसीएम निकालिए, तो 12 इंटू टू सिक्स टू थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। माने एलसीएम बोलने का मतलब आप इसका 12 का क्या चीज, एलसीएम मतलब ये नहीं कि फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, मेरा बोलने का मतलब है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारा इतना हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। अब आपका जो देखो पहला जो तुम्हारा काम था कि तुम इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लाई आया तुम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, जो तुम्हारा फैक्टर आया उसको या तो जोड़कर या तो घटाकर तुमको सेवन ला, दो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको जोड़े या घटाएं तो सेवन आना चाहिए, या गुना जो मल्टीप्लाई करे तुमको ट्वेल्व आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखो अगर टू टू जब फोर प्लस थ्री अगर हम यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा सेवन जो कि यहाँ पर है, अगर ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ट्वेल्व जो कि ये भी है। तो दोनों हमारा कंडीशन सक्सेसफुल हो गया, तो मतलब जो हमारा नंबर फोर और थ्री नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों को जब ऐड करिएगा तो सेवन आएगा, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ट्वेल्व आएगा। तो यहाँ से एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। अब ये दोनों का बीच में जो कॉमन है उसको आप लोग निकाल दीजिए, तो यहाँ से एक्स जो आएगा
कॉमन तो x प्लस फोर हो जाएगा, प्लस थ्री यहाँ पर हो जाएगा तो x प्लस फोर हो जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर x प्लस फोर एक आ गया और एक तुम्हारा x प्लस थ्री आ गया। तो जो इसका फाइनल जीरो जाएगा वो तुम्हारा x इक्वल टू फोर आया और एक वो तुम्हारा थ्री आया, यही तुम्हारा दोनों जीरो जाया। अब बोल रहा है कि वेरीफाई करिए ये दोनों का बीच का रिलेशन, मतलब ये जो तुम्हारा जीरो जाया क्या तुम्हारा ये सही आया है, उस फॉर्मूले से हमको क्या चाहिए वेरीफाई करना है, जो जो हम लोग पिछले फॉर्मूला तुमको यहाँ पर बताया था क्या चाहिए होगा कोफिशियंट वाला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आराम से यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या है कि सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स मीन्स ये तुम्हारा एक्स का कोफिशियंट, तो जो तुम्हारा एक्स का कोफिशियंट है वो तुम्हारा कितना है, देखो यहाँ पर देखिए यहाँ जो तुम्हारा एक्स का जो तुम्हारा कोफिशियंट है वो तुम्हारा कितना है, सेवन है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। और उसके बाद कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका तुम्हारा क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का तुम्हारा कितना है, वन है। तो व्हाट आई एम वन इक्वल टू फाइनल आ गया माइनस सेवन, ठीक है ना, माइनस तुम्हारा ये सेवन आया, ठीक है ना। और एक जो तुम्हारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। गाइस देखो यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया है, x प्लस फोर जो है यहाँ पर हम लोग गलती किए हैं। जब x प्लस फोर इजक्ल टू ज़ीरो होगा तो x इजक्ल टू माइनस फोर ना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस थ्री। अगर ये दोनों जीरोज को हम लोग अगर सम करेंगे तो माइनस फोर और फिर प्लस में माइनस थ्री करिएगा तो हो जाएगा माइनस सेवन। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो आ जाएगा ट्वेल्व। अगर ये दोनों, ठीक है, अगर ये दोनों इस फॉर्मूला से आ गया तो मतलब ये जो मेरा जीरो से वो तुम्हारा सही है और ये यहाँ से तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। तो एक आया तुम्हारा क्या चाहिए, सम तुम्हारा आया सेवन और एक आया ट्वेल्व। अब हम लोग कोफिशियंट वाले रिलेशन से हम लोग देखेंगे, सम ऑफ जीरोज ये हुआ तो माइनस सेवन बटा में सेवन यानी कि माइनस सेवन। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसका जो तुम्हारा होता है क्या होता है, यहाँ पर होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा सेवन बटा में वन माइनस सेवन कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, अब बटा में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा बारह, तो बारह बटा में वन इजक्ल टू बारह। देखो यहाँ पर माइनस सेवन है बारह, यहाँ पर भी माइनस सेवन है बारह, मतलब कि ये जो तुम्हारा पोलिनोमियल था ये जो तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर लिख देना वेरीफाइड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तुम लोग फैक्टराइजेशन करने के बाद जो तुम्हारा जीरो आएगा उसको पहले सम करना, फिर उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट करना, फिर उसके बाद तुम्हारे कैच करना है जीरोज और जो कोफिशियंट का जो रिलेशन था उसके मदद से तुमको क्या चीज़ तुमको उसके मदद से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। अगर दोनों का दोनों सेम आ जाएगा वैल्यू तो समझ लेना कि ये तुम्हारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, ठीक है ना। अच्छा और एक बात ध्यान देना है, ठीक है ना, अब तो होइएगा सब लोग। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई। अब हम लोग देखेंगे क्या है पॉलीनोमियल का डिवीजन, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है, पॉलीनोमियल्स का डिवीज़न हम लोग देखेंगे और उसका वेरीफाई करेंगे कि क्या जो हम लोग भाग बनाए हैं
वो तुमको तुम्हारा सही है या फिर गलती है। ठीक है, तो हमने के एगो लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, ठीक बा। जैसे हम एगो लेते हैं क्वेश्चन कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को आप डिवाइड करिए एक्स माइनस टू से, इसको डिवाइड करिए। ठीक है ना, देखो डिवाइड। ठीक है देखो, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे तुम लोग भाग बनाते हो, भागा बनाते हो, वैसे तुम यहाँ पर ऐसे लिख लो। तो एक्स माइनस टू जो है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है ना, चलो देखो ध्यान से देखना। ठीक है देखो, देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम फर्स्ट टर्म को देखोगे। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारा पहला बाटे टर्म ओकरा के देखब, तो यहाँ तो ईजा बाटे तहरा के एक्स के पावर कितना बा, तीन बा। तो ईजा जो बाटे नू ईजा, तो एक्स के पावर बाटे क्यू, तो हेकरा में कतना से मल्टीप्लाई करब कि एक्स के पावर थ्री आ जाए। सिर्फ एक पर ध्यान देव, सिर्फ हेकर पर ध्यान देवे, हेकर पर ध्यान देव, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाए। तो अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाए। देखो एक्स माइनस टू बनू, एकरा में अगर हम सिर्फ हेकर पर ध्यान देवे के बाद, तो अगर एकरा में हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स के पावर टी आ माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा सिर्फ हेकरे से मतलब है, हतना आगू ना हतना आई नौ है हतना आई, सिर्फ हमारा हेकरे से मतलब है, हेकरा से मतलब नहीं है। तो मतलब ये अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक्स क्यूब आवा था, तो आराम से हेकरा के इसमें मल्टीप्लाई करब तो एक्स क्यूब आ जाए, और फिर हेकरा से हे में करब तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक, अब भाग में तुम जाना का कर लग जा कि हिजा माइनस कर लग जा, तो यह माइनस बा माइनस बा, तो जब एक घटेबा तो हई हो जी प्लस, हई हो जी माइनस, तो हिजा रही कट जाए। अच्छा अब ये दोनों का जब सोल्व करब तो हेकर बाटे का जी जो नंबर बा यहाँ पर जो डिजिट बाटे थ्री बा, हेकर बा टू, तो बड़ बा हई, जो हेकर साइन बाटे माइनस के, तो जौना के बड़ रहेला साइन उ जाइए लिखाला, और ये दोनों के जो घट जाए तो हो जी वन मतलब एक्स स्क्वायर। ओकरा बाद हई जो बानू जैसे बाटो वैसे ही आराम से छाप देवे के बाद थ्री एक्स माइनस टू हो जाए, आराम से जैसे बा छाप देवे के बाद। अब ध्यान देव हेकरा पर, अब यहाँ पर तारा क्या चीज लेवे के बाद माइनस एक्स स्क्वायर लेवे के बाद, तो अगर हम एक्स में अगर माइनस एक्स ले मल्टीप्लाई हम कर दें तो हमारे आ जाए कि ना एक्स स्क्वायर, तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करब तो आ जाए एक्स स्क्वायर, आ माइनस टू में हेकरा से करब तो हो जाए तुम्हारा क्या चीज माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर हो गई। अब है जो बाटे माइनस टू एक अथी कल जाए पहले हाथ ना बा, अब यहाँ पर हो जाए माइनस हिजा हो जाए प्लस, कहें कि जो भागा ऐसे करने जाए तो हिजा माइनस हो गई, तो हई दोनों हो जाए कट, कहें कि ये दोनों हो जाए तो कट के मतलब जीरो आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक बा, अब देखो हिजा बाटे माइनस हिजा प्लस इन घट जाए, जो अगर साइन बाटे प्लस के आई जो बबल बाटे हिजा प्लस जो कि हिजा लिख हिजा लिखल जरूरी मतलब ना रहे आगे, तो इन दोनों को घटेब। अरे सॉरी यार, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स ले मल्टीप्लाई करना है ना यार, यहाँ पर सिर्फ एक्स ले मल्टीप्लाई करना है, बोल भी नहीं रहा है तू लोग यार, यहाँ पर सिर्फ एक्स ले ना एक्स 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 स्क्वायर, क्या गुंडा बनेगा तू लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा आया एक्स और यहाँ पर भी एक्स, तो अगर हम लोग यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे क्या चीज वन से, प्लस वन से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो एक्स माइनस टू प्लस माइनस ये दोनों घट जाए जीरो, ये दोनों घट जाए जीरो, तो ये जीरो जीरो आ गए। तो हमारा जो फाइनल यहाँ पर आई वो तुम्हारा आ गई एक्स स्क्वायर पल सॉरी एक्स, यहाँ पर जो फाइनल आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ गई, आई कि ना आई बड़ा हाथ में तारा गल क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ प्लस वन आ गए। ठीक,
तो अब बोलिनु कि एकरा के तू वेरीफाई कर कि का ई जोन भाग बाटे सही बा तो जब छोट रह तो अगर 2 से 5 से तक देवल जात रहे तो देखो 2 जा 4 1 अगर एकरा के बोलल जाए कि तू एकरा चेक मतलब कर कि जो तू भाग बनले बस सही बा कि गलती बा तू एकरा के काची करत रह हेकरा के हेकरा से मल्टीप्लाई आ प्लस 1 अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आ जो रिमाइंडर आवत रहे ओकरा के ऐड करत रह अगर 5 के बराबर आ जात रहे मतलब ई भाग सही बा तो 2 गुना 2 का प्लस 1 तुम्हारा आ जाएगा 5 2 2 4 5 मतलब 5 आवल 5 आवल मतलब यहां भाग सही बा तो उहे काम तारा हिजे करे के बा हेकरा में और हेकरा से तारा मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जो तुम्हारा ये रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड करिएगा और अगर इतना आ गया तुम्हारा ये भाग सही है तो देखो यहां पर x माइनस 2 हो जाएगा देखो यहां पर x माइनस 2 हो जाएगा इसमें और तुम्हें क्या चाहिए x x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आज x क्यूब फिर इससे इसमें करिएगा ध्यान दो इससे इसमें हो गया ना अब इससे इसमें करिएगा तो हो जाएगा माइनस x स्क्वायर फिर इसमें इसमें करिएगा तो प्लस x हो जाएगा फिर इसमें इसमें करिएगा तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर फिर इसमें इसमें करिएगा तो प्लस 2x फिर माइनस 2 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा फिर यहाँ पर है तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर फिर यहाँ पर है तो प्लस 3x माइनस 2 क्या इतना आया ये और ये मतलब सेम है मतलब ये जो मेरा डिवीजन है वो तुम्हारा सही है चलो अब हम लोग लास्ट एंड अंतिम आएगा जो तुम्हारा टॉपिक वह है क्या ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल ठीक है ना पॉलीनोमियल का ग्राफ कैसे होता है ठीक है ना तो देखो ये बहुत सिंपल है इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है ये हो गया ये हो गया ये जो तुम्हारा x एक्सिस हो गया ये जो तुम्हारा y एक्सिस हो गया ठीक है ना देखो अगर x एक्सिस पर ठीक है अगर x एक्सिस पर केवल और केवल एक बार कट करे एक बार यहाँ पर कट कर रहा है ना तो उसको बोलिएगा क्या चीज लीनियर वो जो तुम्हारा हो जाएगा लीनियर पॉलीनोमियल ठीक है लीनियर पॉलीनोमियल जो कि स्ट्रेट लाइन होता है ठीक है ना तो जो इसका जो इसका ग्राफ बनेगा वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसको बोलिएगा क्या लीनियर पॉलीनोमियल जहाँ पर भी अगर स्ट्रेट लाइन हुआ और वहाँ पर बोले क्वेश्चन में कि फाइंड द नेम ऑफ पॉलीनोमियल तो ये जो तुम्हारा एक बार जब यहाँ पर कट किया ना तो इसको बोलिएगा लीनियर पॉलीनोमियल अब अगर एक और देखते हैं अगर ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे मतलब दो बार काटे चाहे हिजाले ऐसे काटे ठीक है दो बार अगर जहाँ वहाँ पर काटी नूँ एक्स एक्सिस पर ठीक बा नूँ तो ओकरा के आप लोग बोलिएगा क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ठीक है ना अगर x एक्सिस पर दो बार काटी तो ओकरा के बोलबा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो क्वेश्चन में तारा के दे दी ग्राफ ठीक बा आप बोली नो कि फाइंड द नेम ऑफ पॉलीनोमियल मतलब एकरा में तारा के पॉलीनोमियल के नाम बताबे के बाद तो अगर दो बार यहाँ पर कटले रहे तो तू यहाँ पर लिख दिया ये तुम्हारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और जो इसका जो होता है शेप इसको बोलते हैं क्या पैराबोला इसको हम लोग बोलते हैं ये जो तुम्हारा शेप जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला ठीक है ना और एक आता है अगर भाई एक दो तीन मीन्स एक दो तीन बार अगर एक्स एक्सिस पर काटी तो ओकरा का बोलबो क्या क्यूबिक पॉलीनोमियल तो ये जो आज सवाल देखो अब यहाँ से तारा आई सवाल ई कि तारा क्वेश्चन एति मतलब यहाँ पर फिगर दे दी आप बोली नू कि एक में से तारा बतावे के बाद कि कौन लीनियर है कौन क्वाड्रेटिक है कौन क्यूबिक है तो एक खातिर क्या अगर एक्स एक्सिस पर एक बार काटी तो वो तुम्हारा हो गया लीनियर पॉलीनोमियल दो बार काटी तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तीन बार काटी तो तुम्हारा क्यूबिक पॉलीनोमियल तो यहाँ से तुम्हारा जितना भी पॉलीनोमियल का जो कंसेप्ट था वो तुम्हारा क्लियर हो गया ठीक है तो अब अगला वीडियो में मैं कुछ
जो इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन उसको हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि तुम लोग का एक महीने में होगा एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो से तुम अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद तुम अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। चलो बाय।